तो ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो मेरा अर्निंग प्रूफ, ये मात्र 4 दिन की अर्निंग है। ऐसे अर्निंग आप कैसे कर पाओगे ये मैं पूरा प्रोसेस वीडियोस के अंदर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। गुजारे से वीडियोस दोस्तों, आज मैं आपको एक सीक्रेट्स बताने वाला हूं और उसका बताने का कारण क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन वो ऐसा तरीका है कि आप उस तरीके का आप काम कर दो, 5 मिनट काम करने पर आपको $5, $10 है तक कि $50 बहुत ही आसानी के साथ कमा सकते हो। और वो एक ऐसा तरीका है जो लाइफ टाइम तक चलेगा। और इस सीक्रेट्स को बताने का कारण ये है कि मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर एक कमेंट्स आई और उस कमेंट्स में उस बंदे ने बताया कि सर नेटवर्क मार्केटिंग चक्कर में आकर के मैंने अपनी जॉब खो दी और आज मैं हर जगह से बेरोजगार हूँ, घर में फंसा हुआ हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं मेरे पास जिससे मैं घर के कर सकूँ, मेरे पास में सिर्फ एक मोबाइल है और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कोई नई स्किल सीख सकूँ, नई स्किल सीख करके उस पर काम कर सकूँ। कोई ऐसा तरीका हो आपके पास में जहाँ मैं आज काम करना स्टार्ट करूँ और कल से मेरी अर्निंग होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, बहुत सोचने के बाद मैंने यह फैसला लिया कि मेरी जो ट्रिक, जो सीक्रेट्स है उसकी वीडियोज़ बनाई जाए और उन लोगों तक जो कि मेरे यूजर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वहाँ तक वो वीडियो पहुँचाई जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के, वहाँ आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट काम करना है पर डे का। अगर आप 5 से 6 मिनट का एक प्रोजेक्ट रहेगा उसका, एक प्रोजेक्ट का आपको $5, $10 यहाँ तक कि $50 मिल सकते हैं। और वो काम ऐसा है कि आज आप काम करना स्टार्ट कर दो, कल से आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाती है और लाइफ टाइम तक वहाँ पर अर्निंग होती रहेगी। और दोस्तों, एक बात बता दूं, अगर वहाँ पर एक बार आप सक्सेस हो गए तो आप अपनी जॉब, बिजनेस वगैरह सब भूल जाओगे, वहाँ स्किल पर बहुत ही ज़्यादा काम करना शुरू कर दोगे। जिस वेबसाइट के बारे में आपसे बात करने वालों की ऐसी जहाँ लाखों लोग काम कर रहे हैं और वहाँ से हजारों लाखों कमा रहे हैं, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा, बहुत ही आसान सा प्रोसेस रहेगा। उस तरीके को आप अपने मोबाइल पर भी यूज कर सकते हो और कंप्यूटर पर भी यूज कर सकते हो। बस एक बात बता दूं, अगर वीडियो पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस पर रियल ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहां मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा और उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा रियल। इस पर बहुत ही सिंपल से तरीके से अकाउंट बनाया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर के आप आसानी के साथ में अकाउंट बना सकते हो उस लिंक पर क्लिक करके। अब दोस्तों, यहाँ पर काम क्या रहेगा हमारा, मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ एक बात मैं आपको एक पेमेंट प्रूफ बता दूँ जिससे कि आप थोड़ा बहुत मोटिवेट भी होंगे और आपको यहाँ पर काम क्या करना है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पर समझ सवार में यहाँ पर टाइप करता हूँ ओल्ड फोटो रिस्टोरेशन, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर पुराना फोटो है बिल्कुल, यहाँ पर किस तरीके से वो कलरफुल कर दी, यहाँ पर एकदम बिल्कुल स्क्रैच वाला फोटो है और यहाँ पर एकदम फोटोज को न्यू कर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर एकदम न्यू फोटो कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। अब दोस्तों, हमारा भी काम यही रहेगा, हम पुराने फोटोज को नया करेंगे और वहाँ हम उस फोटो को न्यू करने का यहाँ पर एक चार्ज रखेंगे। ये मेरा बिल्कुल सीक्रेट तरीका है, यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे इस फोटो को एकदम कंप्लीट करने में, न्यू करने में। मैं पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन एक बार आप सीख गए इसको तो आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे टोटल पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारे फोटोज पुराने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम अर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं अब बात करूँगा हमारे लोकल सेलर्स की, ठीक है। ये तो इंटरनेशनल सेलर, यहाँ पर सारे सेलर्स आगे, लेकिन हम लोकल सेलर्स की बात करें जो कि हमारे खुद इंडिया के ही हैं और हमारे आसपास के ही हैं, ठीक है। मैं लोकल सेलर पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर ये बंदा यहाँ से फोटोज को कलर, मतलब इसने स्क्रैच वगैरह मिटाए, थोड़े से फोटो को थोड़ा क्लियर किया है और ये एक फोटो क्लियर करने के $10 चार्ज रख रहा है। $10 का मतलब है 750 रुपये। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसने $5 चार्ज रखा है, यहाँ पर एक फोटोज का इसने $20 चार्ज रखा है, ठीक है। यहाँ पर इसने एक फोटोज का $5 चार्ज रखा है और यहाँ पर एक फोटोज का इसने $5 चार्ज। इस तरीके से यहाँ पर सारे लोगों ने अपने अपने चार्ज रखा हुआ है एक फोटो को क्लियर करने का, ये ओनली एक फोटो क्लियर करने की बात है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लेंगे और उस प्रोजेक्ट पर हम इसी तरीके से काम करेंगे, हम ओल्ड फोटोज को न्यू करके और उनको सेल करेंगे। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर सेल करने का भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पर यहाँ पे हम क्लाइंट्स किस तरीके से ढूंढने में, आपको क्लाइंट्स हमें कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और आपने यहाँ पर एक बार काम करना सीख लिया तो मैं बता रहा हूँ आपको लाइफ टाइम तक पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको पर डे आपको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। आप 5 मिनट में प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे और सामने वाले क्लाइंट से उसको दे दोगे और आपको 50% पेमेंट तो पहले ही दे देता है, 50% पेमेंट आपको बाद में मिल जाएगा, वो भी पॉलिसी वगैरह सारी हम ही रखेंगे इसकी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, इसने सारे फोटोज को इसी तरीके से रखा हुआ है, ओल्ड फोटोज को इसने नियुक्त हुआ हुआ है। अब यह दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जो बाहर के जो लोग हैं अधिकतर यूनाइटेड स्टेट वगैरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको टाइम वगैरह नहीं होता तो वो हम
हमको या फाइबर वगैरह पर देखते हैं, हम जैसे लोगों को या जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनको देखते हैं और वहाँ से काम कराते हैं। तो इसी तरीके से मैं भी यहाँ पर 5 मिनट में मुझे प्रोसेस मिल जाता है, प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, उनको कंप्लीट करके, और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगता। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि हम किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से हम पेमेंट प्रूफ ऐड करेंगे, किस तरीके से बैंक ऐड करेंगे, सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मैं प्रोफाइल का आपने जो इमेज वगैरह ऐड करोगे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा गिग्स, GIGS, ठीक है, गिग्स पर हम क्लिक करते हैं। ये मेरा नया अकाउंट है बिल्कुल भी। आपको यहाँ पर एक सेलर प्रोफाइल पहले बनानी होगी, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर आप जब बनाओगे आपको यहाँ पर सेलर का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर एक सेलर की प्रोफाइल बनानी होगी। जब आपको प्रोफाइल बना लोगे तो फिर आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल बार बार बनाने की जरूरत नहीं, पर आपको यहाँ पर कंटिन्यू सेलर का ऑप्शन दिखने लगेगा। हम बिकम ए सेलर पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट नेम दे देना है, आपको सेकंड नेम दे देना है। ये मेरी आईडी नहीं है, मैंने आपकी नई आईडी बनाई, क्योंकि मेरी पर्सनल आईडी से मैं दोबारा अपने नंबर से यहाँ पर नहीं बना सकता। एक नंबर और एक नेम से एक ही बार आईडी बनाई जा सकती है। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैंने ऐसे यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाला है, ताकि यहाँ पर मेरे प्रोफाइल में ज़्यादा लिखने की जरूरत न पड़े। आपको यहाँ पर 150 वर्ड लिखना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह, यहाँ पर आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज के बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश कर दिया, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो भी आपको अंदर स्किल है वो आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। यहाँ पर मैं आपको अंदर अपनी स्किल की टिक कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके और आपकी जो भी स्किल है थोड़ी सी उसमें भी आपको लिख देना, एडिटिंग, फोटो एडिटिंग जो आप जानते हो। यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन के बारे में डालना, यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट अभी आपके पास कौन सा वो डाल देना है। यहाँ पर मैंने सारा प्रोसेस फटाफट किया, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगाया। आपके पास अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल दीजिए आप, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर कंटिन्यू, अगर आपको यहाँ पर पास में आप अपने फेसबुक, ट्विटर वगैरह यहाँ पर अगर ऐड करना चाहो, कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल वेरीफिकेशन या ईमेल वेरीफिकेशन मांगे वो आप कर लीजिए, मेरा ऑलरेडी वेरीफिकेशन है, तो मैं यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर हम आ चुके बिल्कुल मेन प्रोसेस पर। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह, फोटोज़ वगैरह, थंबनेल वगैरह सब यहाँ पर डालना है, बिल्कुल एक तरीके से प्रोसेस समझ लें यूट्यूब जैसा ही, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लाइंट्स हायर करना है, ठीक है। आप वो कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस में स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमें क्या करना है, मैंने ऑलरेडी सारा कुछ लिख के रखा हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे समझाने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, और मैंने यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। आई विल ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पर यहाँ से लिखता हूँ गुड से। आपको दोस्तों इस जैसे बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना, अगर आप इस जैसे कॉपी करोगे तो यहाँ पर स्पैम आ जाएगा, मेरा अकाउंट भी ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और आपको वहाँ पर कोई भी काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल इससे मिलता जुलता थोड़ा सा डाल दीजिए, आप बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग और आधार पर हमें क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ पर हमें टैग डालने हैं। टैग यहाँ पर क्या डालेंगे दोस्तों, टैग मैंने भी लिख के रख रखे हैं, जैसे मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। आप भी यहाँ पर अपने कोई टैग वगैरह लिख लीजिए, टैग ज़्यादा बड़ा ना हो, हल्का सा मतलब, ठीक है। आपको यहाँ पर 5 टैग डालना अच्छा रहेगा, आप डाल दो भी सकते हो, मैं यहाँ पर 1-2 टैग ही डाल के बताऊँगा, लेकिन आपको यहाँ पर 5 टैग यहाँ पर कम से कम डालने हैं, ताकि आपकी आईडी फटाफट बन जावे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे उस पर, तो उसके बाद आपका इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको यहाँ पर अपने कुछ पैकेज ओपन रखने हैं, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, मैंने ये 3 पैकेज के नाम रखे हैं। आप भी कुछ रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड रख सकते हो, लेकिन मेरे से मिलते जुलते नहीं रखना है बिल्कुल भी। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ नेम, तो आप कोई भी रख सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ये नॉर्मली रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से अपने तीनों नाम ले लेता हूँ, सिल्वर पैकेज, ऊपर नेम ऑफ पैकेज क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाते हैं, अब इस पर हम क्या सर्विस देंगे, सिल्वर पैकेज के अंदर ओनली हम इस पर फोटोज़ को कलर करके देंगे, बस इससे ज़्यादा हम उसको कोई भी सर्विस नहीं देंगे। यहाँ पर पूछा डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम ओनली 1 दिन, मतलब इसमें हम क्या जल्दी करेंगे तो हम 1 दिन रखेंगे। उसके बाद दोस्तों पर सेलेक्शन मांगा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप उनको फोटोज़ एक ही बार करके दोगे, बार बार दोगे दोस्तों। यहाँ पर ओनली सिल्वर, इसलिए हम उसको 0 बार यानी 1 ही बार देंगे, तो हम 0 पर क्लिक कर देते हैं। नाम रखेंगे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड पैकेज हमने इसका नाम रख दिया। अब दोस्तों यहाँ हम क्या सर्विस देंगे, यहाँ हम जो है फ़ोटो को कलर करेंगे और रिस्टोर भी करेंगे, जैसे कि मतलब फ़ोटो जो है कोई कलर भी कर दिया और उसके जैसे फ़ोटो में कहीं कट भी लगे हुए, स्क्रैच पड़े हुए, तो उसको हम रिस्टोर भी करेंगे, उसको हम 2 सर्विस ये देंगे, ठीक है। डिलीवर टाइम, डिलीवर टाइम ओनली
हम एक दिन रखेंगे, उसमें यहाँ हमें कुछ छेड़खाने नहीं करनी है। और दोस्तों यहाँ सॉरी हमने यहाँ पर पेमेंट तो करनी, पेमेंट यहाँ हम $5 रखते हैं, या हम दूसरी सर्विस लेंगे यहाँ पर हम $10 रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दे रहे हैं उनको, या हम एक बार और करके दे देंगे, चलो कोई नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर डॉलर भी ज़्यादा लेना है, $10 तो हम उसको एक सर्विस और दे देंगे, यानी कि एक बार उनको पसंद नहीं आता तो एक बार हम फिर से उसको मतलब नया करके देंगे, या फिर कोई एक फ़ोटो के साथ में और सर्विस दे देंगे। ठीक है, अब आता है डायमंड के अंदर। ठीक है, डायमंड हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं डायमंड पैकेज पर, पेस्ट करते हैं, और दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे तो फोटोज को नया भी करेंगे, और उस जैसे हम 15 फोटोज की और सर्विस दे देंगे। डिलीवर टाइम है पर एक दिन रखेंगे। ठीक है, यहाँ हमको छेड़ेंगे नहीं, यहाँ हम डॉलर के जो रेट है हम वो रख देते हैं $17, क्योंकि 15 फोटो से काम करके दे रहे हैं हम उसको। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर किसी भी चीज़ को टिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब तो यहाँ पर हमें क्या थोड़ा सा अपने बारे में लिखना है। ठीक है, कम से कम आपको 150 वर्ड का होना चाहिए, मैं आपको लिखने बैठे को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी लिख के रख रखा है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर बिल्कुल जैसे नहीं लिखना, आप कुछ अलग लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो, भाई बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं सामान हमें फोटोज कब मिलेगा, फोटोज क्वालिटी क्या रहेगी, आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी करके रख लिया, ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लगे। अब दोस्तों यहाँ पर आता है ऐड न्यू क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं किसी, मतलब कि भाई हमें क्या क्या चाहिए, हमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर किया है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी दोस्तों, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमें यहाँ पर 30% एडवांस चाहिए। ठीक है, एडवांस हमें चाहिए, भाई अवल क्या पता काम करा के वापस दे नहीं दे। ठीक है, हमें ऐड पर क्लिक कर दिया। फिर दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भाई कि हमें पहले तो ओल्ड फोटो इमेज चाहिए, न्यू कराना चाहते हो उस बंदे का, हमें ओल्ड फोटो हमें चाहिए, न्यू को तो हम नया करके देंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी आप कुछ डाल सकते हो, मैं यहाँ पर दो ही लिख करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आता है इमेज के बारे में, कब आप इमेज कैसे ऐड करेंगे। अब उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ सैंपल के लिए इमेज ऐड करने हैं, लेकिन दोस्तों हमने तो कोई इमेज बनाया नहीं अभी। अब इमेज कैसे बनाएंगे, इसलिए मैंने तब नहीं बनाया था, मैं आपके सामने लाइव इमेज बनाऊंगा किस तरीके से हम ओल्ड इमेज को एकदम कलरफुल और न्यू इमेज कर देंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, उस वेबसाइट का नाम है हॉटस्पॉट, उस वेबसाइट का नाम है, आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ऊपर सबसे नंबर पर वन पर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों ये वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट वही है जो कि ओल्ड इमेज को न्यू करती है, फटे पुराने इमेज को नया कर देती है। ठीक है, मतलब फटे पुराने को नहीं, स्केच वगैरह हो उन फोटो को। ठीक है, कहीं आप टुकड़े टुकड़े करके उनके ले लो, नया कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आल टूल पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो ग्राफिक यहाँ पर पिक्चर कलर्स और पिक्चर रिस्टोर। ठीक है, तो हम पिक्चर कलर्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ हमारा सिंपल से प्रोसेस रहेगा, हम यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते हैं। अपलोड पर क्लिक करें दोस्तों, मेरे पास में कुछ फोटोज़ हैं, मैं उन फोटोज़ पर जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ओनली पुराने फोटोज़ हैं। अब उनको हम किस तरीके से कलरफुल करेंगे वो आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, इसको लेकर बताता हूँ आपको। देखो ये तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, यहाँ इसको देखो, इसको देखो, यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखो इसको देखो, फिर इसको देखो, कोई नहीं, पहले इसको और डाउनलोड कर लेता हूँ जिसके आपको और अच्छी तरह से दिख सके। देख पा रहा हूँ आप, इसने थोड़ी देर के अंदर ये फोटो बिल्कुल कलर कर दिया। अब दोस्तों इसकी जो ये इमेज आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो लाइनिंग वगैरह ये है, इसको कैसे रिमूव करेंगे उसको मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। देखो इसने, मतलब मैंने अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखो, इसने बिल्कुल भी यहाँ पर जो फटे पुराने जो लाइनिंग वगैरह हैं वो भी यहाँ पर इसने ख़त्म कर दी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल से प्रोसेस है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, हम कलराइज करना है, मेरे पास कुछ ओल्ड इमेज हैं, एक इमेज को ले लेते हैं जिसमें पता भी लग जाएगा, बता भी देंगे हम सामने वाले बात हैं साथ में। देख पा रहा अभी कैसा है, इसको देख लेना आप कैसा, अब देखो इस इमेज को बिल्कुल कलर कर दिया, डाउनलोड पर क्लिक किया, फिर दोबारा दोस्तों हम एक फोटो और ले लेते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, अपलोड पर क्लिक करते हैं, ये बताने को सही रहेगा कि कलर है।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर तीन इमेज सेलेक्ट कर लें जो कि हमारे प्रोफाइल रहेगा एक तरीके से हमारे दिखाने के लिए। अब मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए आप अच्छा इमेज यहाँ पर छांट लीजिए क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाया ओल्ड फोटोज़ रिस्टोर यहाँ से लेकर के और यहाँ पर आपने क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, उनको न्यू करके कलर करके आप थोड़ा सा सेट कर सकते हो दिखाने के लिए, ठीक है। जिससे हमारे क्लाइंट बने उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। पब्लिशिंग गिग पर क्लिक करते हैं, आप चाहो तो इसकी लिंक आप शेयर कर सकते हो किसी को, अपने दोस्त वगैरह को चाहो तो किसी को आप करने कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर डन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये हमारा इमेज बनके हमारी प्रोफाइल बनके कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अब हमें क्या करना, दोस्तों यहाँ आप जा कर देख सकते हो, एडिट कर सकते हो और जाकर पोस्ट भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड वीडियो और कर सकते हो, कोई वीडियो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों हम ये देखना चाहेंगे कि हमारी जो हमने जो बनाई है प्रोफाइल एक तरीके से एक पेज बनाया है कैसा दिख रहा है, हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर क्लिक करके आसानी के साथ हमें क्लाइंट मिल सकते हैं। हमने जो अपना चार्ज रखा है वो हमारा $5 का रखा है। हम तीन यहाँ पर कैटेगरी बनाई है, देखो तीनों कैटेगरी में कोई बंदा हमारे यहाँ पर आएगा, चॉइस करेगा और हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेगी। हमारा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आया इसलिए मैं बता दूँ दोस्तों, आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस हमें यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर आपको अपने आप यहाँ पर क्लाइंट्स आएंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा अगर आपने मोबाइल नंबर सही भरा है तो। और दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, उस नोटिफिकेशन को आप करना, आपको $5 आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ये सारा पेमेंट आपको हमारे जो है पेपल के थ्रू आपको प्राप्त हो जाएगा। पेपल क्या है पता नहीं है तो आपको 2 मिनट में पेपल पर अकाउंट बन जाएगा, कोई भी वीडियोज आप यूट्यूब पर देख लीजिए। अगर आप नहीं जानते हो तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, अगर पेपल पर अगर मैं अकाउंट बना तो मैं अकाउंट बना के आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। यहाँ पर अब हमें क्या एक बार काम आना शुरू होगा तो कंटिन्यू आपको लाइफ टाइम तक काम आता रहेगा और यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे रियल ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।